गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे केले और गाइस यार केलों के साथ साथ हमारे आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ है एक हाथी। जी हाँ गाइस एक एलिफेंट जिसका वजन होता है लगभग 5000 किलो। और जिसकी एक बार की डाइट होती है लगभग 150 किलो। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। आज के दिन हमारे गांव के अंदर से एक हाथी निकल रहा था जो कि बहुत लंबी तीर्थ यात्रा पे निकला हुआ था। तो गाइस यार उनके साथ में जो संत होते हैं और उनके साथ में जो महावत होता है, उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हाथी के लिए कुछ चारा या फिर कुछ खाने के लिए हो तो प्लीज दीजिए, ताकि हाथी की भी भूख है वो मिट जाए और हमारे लिए भी एक धर्म का काम हो जाए। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ है एक बहुत ही कमाल का हाथी, गणपति बप्पा मोरया। तो चलो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि जो हाथी है ये कितने केले खा पाता है। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे केले हैं, 20 लगभग 80 kg। तो चलो हाथी को केले खिलाते हैं, धर्म का काम भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि एक बारी के अंदर एक हाथी कितने केले खा पाता है। आयो गणपति बप्पा। तो गाइस यार पहले मैं एक हाथ से केला खिला देता हूँ हाथी को, देखते हैं कि क्या होते हैं। सीधा ही टूट पड़ा गाइस, बाहर निकाल के खिलाते हैं एक हाथी। ओ एक ही बारी के अंदर गाइस अपन एक एक केला खाते हैं और हमारे जो यहाँ पे हाथी है ये एक ही बारी के अंदर पूरे केले चट कर जा रहे हैं। महावत जी अपने हाथी का नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो गाइस देखते हैं कि अभी हाथी कितने फ्रूट खा पाता है अभी धीरे धीरे, कि आई थिंक जो है हाथी को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखते जाते हैं, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। यार देखो यहाँ पे मेरा पैर देखो और हाथी का पैर देखो भाई मेरे जैसे तो 10 पैर आ जाए इस हाथी के अंदर। और हाइट देखो, मुझसे काफी ज्यादा हाइट है यार। अच्छा महावत जी ये हाथी है या हतनी? हतनी है। अच्छा हतनी है, खैर वो तो एक ही बात है यार, हतनी हो चाहे हाथी अपन तो हाथी बोलेंगे। अच्छा इसकी उम्र कितनी होगी महावत भाई? इसकी उम्र है 35 साल। अच्छा 35 साल। तो गाइज आप देख सकते हैं कि भाई मुझसे भी बड़े हैं, मुझसे भी बड़ी जो हतनी है उसकी उम्र है। तो एक बार हाथ जोड़ना तो बनता है। गणपति बप्पा आप देख सकते हैं अभी तक हाथी की जो भूख है वो नहीं मिटी है और हाथी जो है केले खाए जा रहा है मस्त तरीके से आराम से। तो गाइस यार आई थिंक अभी हाथी ने जितने केले खा सकने थे उतने खा लिए। क्यों महावत भैया और खाएंगे? नहीं, बस खा लिए। तो चलो पानी पिलाते हैं, पानी लगाओ जल्दी लगाओ। तो गाइस यहीं पे लेके आ जाते हैं, यहीं पे हाथी को पानी भी पिला देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने कितने केले खाए हैं। तो गाइस ये वाला कैरेट लगभग खत्म हो गया है, ये पूरा भरा हुआ था ये आधा हो गया है, आधे इसमें से खाए हैं और कुछ इसमें से। तो लगभग अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास कितने 20 40 60 80 के अंदर से। तो पहले पानी पिला देते फिर आपको बताता हूँ। अब देखते हैं कि हाथी प्यासा हाथी पानी कितना पिएगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है A few moments later. तो गाइस आप देख सकते हैं कि हाथी ने जो है इस पूरे ड्रम को ही खाली कर दिया है। तो केलों के साथ साथ हमने थोड़ा सा हाथी के लिए चारे की व्यवस्था की है। तो अभी हाथी को विदा करते हैं टाइम से ही, तो चारा भी खिला देंगे और उसके बाद में जो बचे हुए केले हैं ये भी इनके साथ ही दे देंगे ताकि ये रास्ते के अंदर खिला देंगे। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ देखो कितने केले लगभग हाथी ने खाए हैं। तो इसको पूरा आधा कर दिया है तो 10 इसके अंदर से लगभग 10 और 5 किलो इसके अंदर से।
तो आई थिंक लगभग लगभग 30 केजी के आसपास हाथी ने केले खाए हैं भाई। 30 किलो के अंदर तो मेरे दो तीन परिवार निपट जाएंगे और बच्चा अलग से, और ये पूरा ड्रम पानी का पिया है, उसके बावजूद भी और चारा हाथी अभी भी खा रहा है। तो गाइस देखा आपने भाई। अच्छा मावत भाई, यार मैंने कभी हाथी को टच नहीं किया, एक बार छू लूं क्या? आप आओ ना पास, आराम से। भाई पैर वेर रख दिया ना तो किल हो जाएगा यहीं पे, ओ इसलिए डर लगता है। तो गाइस एक बार फिर से हाथ लगा लेते हैं, हाथी के हाथ लगा लिया अपने लाइफ में पहली बारी। भाई पूरे 5000 किलो वजन है इसके अंदर, ठीक है। और देखो पैर, पैर आप देख लो, मेरे पैर देख लो, इनके पैर देख लो। और केले खाने के बाद हाथी चारा आराम से खाया जा रहा है। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गणपति बप्पा।